नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज। जय माता दी। आज हम आपको लेके हैं नवीपुर में। नवीपुर में आज आपको मेरे डॉक्टर से पहले भी आपकी जानकारी करवाई थी और आज फिर मिलने आए हैं और मुझसे पूछते हैं कि वैसाखी के क्या महत्व है। सत श्रीकाल सर जी, पहले तो आपको वैसाखी बहुत बहुत मुबारक हो और आज संक्रांत भी है, संक्रांत भी आपको मुबारक हो। सर वैसाखी जो है क्या महत्व है इसके बारे में बताइएगा। पहले तो सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई है। बैसाखी हम जो उत्तर भारत का जो हम मनाते हैं सभी त्यौहार, ये हार्वेस्टिंग का त्यौहार है। जब सबकी गेहूं पक जाती है, कनक पक जाती है, तो उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। बेसिक कारण ये है इसका मनाने का। दूसरा रिलीजियस रीज़न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की साधना की थी। बताइए इसके बारे में क्या इतिहास है इसका। हाँ, जो बैसाखी मेन तो हार्वेस्टिंग के लिए ही खुशी में मनाया जाता है। जब जो अपना गेहूं पक जाती है, जब अपना किसानों के लिए, सारे उत्तर भारत के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसके लिए जब उसको बहुत मेन तो हमारा जो है कृषि ही अपना सब करते हैं, एग्रीकल्चर का ही सबका मेन काम करते हैं सब उत्तर भारत में। जब भी उनका जब फसल पकती है तो उनको बहुत खुशी होती है, इसके लिए वो इस खुशी में ही सब मनाते हैं। जगह जगह पे मेले लगाए जाते हैं। सुबह सुबह जब हम गुरुद्वारा में जाते हैं उसमें अरदास करते हैं, सबके सरबंदे पर यानी अरदास कर दिए, सारी खुशी रहें, अगले साल भी ये बैसाखी का त्यौहार खुशी खुशी आए, सबके लिए आए और इसके लिए मनाते हैं। सर जी का कहने का मतलब है कि जो बैसाखी है बहुत खुशी का त्यौहार होता है। सुबह उठ के गुरुद्वारे जाते हैं, सुखमनी का पाठ सुनते हैं और अपने गुरुद्वारे में लंगर वगैरह रखते हैं, मेले रखते हैं। मेन बात ये है कि जो जट सरदार होते हैं वो अपने खेतों में जाके नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और कनक को काटते हैं। और अच्छा है, इस दिन लंगाट जो है मेन लंगाट का चखना जरूरी होता है और ये धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं इसी तरह से ये बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। इस सर पर मेरे सर आपको कोई पंजाबी गाना आता हो तो एक दो लाइन बता सकते हैं, जिससे है कि जट्टा आई बैसाखी कैसे थे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा महत्व बताया कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है। हम सर का बैसाखी मुबारक बहुत देते हैं और आज संक्रांत भी है, इस विषय पे आज इनको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद आपका, आप हमारे पास आए, सबको बहुत बहुत बैसाखी की बधाई।